सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यूट्यूब नोटिफिकेशन को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जो यूट्यूब में नोटिफिकेशन आया होता है, वो बहुत सारा नोटिफिकेशन आया होता है, तो आप अगर उसे डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से डिलीट करेंगे, आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube ओपन करना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपना YouTube ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद देखिए, यहाँ इनबॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल में नोटिफिकेशन आए हुए हैं, यूट्यूब में नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर तीन डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद देखिए, यहाँ लिखा है हाइड दिस नोटिफिकेशन, और नीचे में लिखा है टर्न ऑफ ऑन नोटिफिकेशन। तो जब हम टर्न ऑफ ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे, तो ये जब वीडियो अपलोड करेंगे तो एक भी यहाँ पर नोटिफिकेशन उस चैनल का नहीं आएगा। तो आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए, सिंपली आपको ऊपर में लिखा हुआ है हाइड दिस नोटिफिकेशन, सिंपली जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए, इसी तरह आपको भी हटाना है या डिलीट करना है, अब वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो भी वो दिखाई नहीं देगा। सिंपली जब दूसरे वालों को अगर हटाना चाहते हैं तो फिर से वही प्रोसेस करना होगा। तो देखिए, एक एक करके हटता जा रहा है। इसमें ऑल सेलेक्ट करके तो आप नहीं कर सकते हैं, इसमें ऑल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, एक एक करके आप इसे हटा सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, साथ में कमेंट भी करना कि कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।